सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे। माजिद भाई, आज कहाँ जा रहे हैं अपन घूमने को? दलदली पॉइंट चलते हैं। वहाँ पे क्या रहता है? मैन पार्ट के दलदली पॉइंट हम लोग जा रहे हैं अभी घूमने के लिए। तो चलिए देखते हैं मैन पार्ट में दलदली पॉइंट कैसा रहता है। वहाँ भी सुनने में आया है कि कुदरत का काफी अच्छा करिश्मा है वहाँ। वहाँ काफी दलदली पॉइंट में जमीन जो है जंप करता है, और हमारे दोस्त भी काफी लोग जा रहे हैं जो हमसे आगे निकल चुके हैं। हम लॉगिंग कर रहे हैं इसलिए अभी हम स्लो चल रहे हैं। तो चलिए अपन चलते हैं। तो आर्यू भाई, आप कभी दलदली पॉइंट गए हैं? दलदली पॉइंट गए हैं, लेकिन उस समय थोड़ा बरसात का मौसम था, तो उस समय अपन उतना अच्छा वहाँ दलदली पॉइंट पर घूम नहीं पाए। तो आज चलेंगे और देखेंगे कैसा रहता है वहाँ का नजारा और वहाँ क्या है कुदरत का करिश्मा। तो आप इससे पहले गए थे, तो आपको कैसा लगा था वहाँ? काफी अच्छा लगा था, वो कुदरत का करिश्मा था वहाँ, और काफी दलदल था वहाँ पे, और काफी अच्छा लगा था हमें घूमने में वहाँ पे। तो चलिए देखते हैं वहाँ पे, चलिए देखते हैं वहाँ पे अगली बार जो आए थे तो कैसा सीन था और इस बार कैसा सीन रहता है, और चेंजिंग आया है या नहीं, फिर देखते हैं। तो गाइस, आप मेन पार्ट आएंगे तो यहाँ पे एक मंदिर पड़ता है बीच रास्ते में, तो इस मंदिर को आप होते हुए जाएं। काफी जय माँ काली नाम से इस मंदिर फेमस है, और आप इस मंदिर में आए तो इस मंदिर में दर्शन करते हुए जाएं और इनको प्रणाम जो भी है इनका करते हुए जाएं, क्योंकि इस मंदिर पे आप ऐसा करके जाएंगे तो यहाँ का मान्यता है कभी भी आपको आपके साथ दुर्घटना ना हो पाएगा, नहीं होगा दुर्घटना। और ये मंदिर है, देख सकते हैं बाबे बैठे हुए हैं, यही पूजा करते हैं। और ये मंदिर का दृश्य देख सकते हैं, इस मंदिर ये इस टाइप से दिखता है मंदिर। तो चलिए, और हमारे साथ एक और बाबा हैं, ये देखिए। तो ये मंदिर में आप ही पूजा वगैरह करते हैं क्या? नहीं, जैसे आप पहुँच आए हैं उससे करते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप भी मतलब घूमने जा रहे थे? अच्छा अच्छा, ये भी घूमने जा रहे थे तो ये भी ये मंदिर में आए हैं और मंदिर में होके ही जा रहे हैं घूमने, कैसे? तो चलिए ठीक है, फिर आप देख लीजिए इस मंदिर को। तो मेन पार्ट में जब भी आए तो आप इस मंदिर पे होके ही जाएं। तो चलिए गाइस, फिर चलते हैं अपन। सो अभी हम लोग मेन पार्ट की घाटी पे चढ़ ही रहे थे, तो ये रोड है मेन पार्ट का, जैसे हमारा स्कूटी है ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे अभी मेन पार्ट हम लोग जा रहे थे तो यहाँ पे काफी शानदार व्यू देखने को मिला अपन को। ये देखिए कितने ज्यादा यहाँ पे अधिक मात्रा में कृषि होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा कृषि का मैदान है वो, और यहाँ पे काफी शानदार कृषि किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कृषि होता है वहाँ पे। तो और हम लोग काफ़ी नीचे से आए हैं, आप अगर आपको दिखता हो तो आप रोड भी देख सकते हैं, और ये झाड़ियों के बीच में रोड दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। तो हम लोग काफ़ी नीचे से भी आए हैं और अभी काफ़ी ऊपर चढ़ने को बचा है अभी अपन को। आरजू भाई, ये क्या चीज़ का कृषि है? ये धान का कृषि होता है वहाँ पे, और काफ़ी मतलब
अच्छा मतलब लेवल का धान वहाँ पे उपज होता है और काफी अधिक मात्रा में उन लोग उपज करते हैं, कृषि करते हैं। हम लोग मैन पाट के अभी दलदली एवं जलजली, ये दलदली भी इसको बहुत लोग बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ये क्या बोलते हैं जो जमीन है वो जंप करता है। और अभी हम लोग आ गए हैं जलजली पर्यटक स्थल, आप देख सकते हैं, और यही रास्ता गया है बस थोड़ा ही आगे में वो दलदली पर्यटक स्थल है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं वहाँ जमीन किस तरह से जंप करता है। सो गाइस अभी हम लोग दलदली में आ चुके हैं, देखिए यहाँ पे काफी सारे घोड़े हैं और ये खड़े हैं सब लोग घोड़ा को लेके। और देखिए यहाँ पे कितना लेते हैं भैया आप लोग घोड़ा का? 50 रुपए। 50 रुपए लेते हैं। आपको अगर घूमना होगा तो मैन पाट के दलदली में आ सकते हैं, ओनली 50 रुपए लेते हैं ये और पूरा भ्रमण करवा देंगे आपको दलदली का। तो चलिए अभी जहाँ जंप करता है वहाँ देखते हैं। मनु कहाँ गई? असगर आपको घूमने में कैसा लगा? ना यार बहुत भयानक लगा। असगर आपको घूमने में कैसा लगा घोड़ा में? घूमने में बहुत मजा आया अपन को, बहुत शानदार सवारी। मतलब ऐसा लगा कि जैसे फिल्म में जैसे घोड़ा उड़ा दौड़ता है वैसा लगा आपको? बता नहीं बैठा। असगर भाई ये पहली बार बैठे हैं और देखिए आप लोग और भी घोड़े से कुछ लोग घूम रहे हैं, आप देख सकते हैं कुछ अंकल लोग हैं, काफी घोड़े हैं यहाँ पे देखिए। एक वाहन पार्किंग। अभी चलते हैं दलदली, आपको दिखाते हैं जमीन कैसे जम करता है, यहाँ कुदरत की करिश्मा दिखाएंगे आपको। कुछ पैसे लेने के बाद जाने देते हैं। ये है दलदली एवं जलजली। चल बाबा मनीकर। तो गाइस हम लोग पहले आए थे यहाँ पे, ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं था, सीढ़ी वगैरह अभी काफी अच्छा बन गया है। देख 3 साल को आप हल्का में लेते हैं। ये दलदली आप देख सकते हैं, ये पूरा जंप करता है लेकिन अभी यहाँ पानी भरा हुआ है। तो चलिए अभी जंप करके आपको दिखाएंगे। अंकल जैसा बोल रहे हैं अभी हमको घूम के जाना पड़ेगा उधर, कुछ जानकारी ले लीजिए। हाँ, कुछ आज भी चलूंगा। चलिए चलिए हम लोग को जानकारी दीजिएगा कुछ कुछ। आइए आप लोग यहाँ तक लगते यार। आराम से जाए, घुस मत जाइए।
बाबा मिले हैं जो इस चीज का पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बाबा आप बताइए कितना दिन पहले से प्रसिद्ध है इधर? ये बहुत दिन से हो गया साहब, 2002 से लागू किए हैं तो पहले से था। अच्छा, ये 2002 से लागू है। और यूट्यूब में काफी वीडियो आपको मिल जाएगी, लेकिन हमारी ही वीडियो आप देख लीजिए। और आप देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कैसे जंप करता है ये जमीन है? ये पहले से होता है साहब, ये कुदरती देन है। बाबा जैसे बता रही है, कुदरती देन है। तो माजिद भाई कैसा लगा आपको यहाँ के? बहुत ही बेटर फील हुआ और बहुत ही मजा आया हम लोग को। ये पूरा कुदरत का करिश्मा है यहाँ। ये जमीन जंप करता है और यहाँ कितने साइंटिस्ट लोग भी आए लेकिन इस चीज को पता नहीं कर पाए कि ये मतलब आखिर से क्या है इस चीज, ये क्या जमीन के अंदर है जो जमीन जंप करता है। तो माजिद भाई, तो दलदली पॉइंट हम लोग घूम लिए और काफी मजा आया। और इस ब्लॉग को आपको देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये जमीन के अंदर में कुछ है कुदरती चीज जो जंप करता है। तो माजिद भाई, वीडियो के यहीं एंड करते हैं। और चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे तो प्लीज कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हाँ, और लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो के यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।